न्यूज लाइव 18 दिल्ली मानव अधिकार नाम से चलने वाले तमाम संगठन हैं अवैध, जल्द होगी इनको बंद कराने की कार्यवाही। सर्वेंद्र चौहान द्वारा दायर आरटीआई के एक सवाल में मानव अधिकार आयोग द्वारा बताया गया है कि देश में सिर्फ मानव अधिकार आयोग दिल्ली ही वैध है और उसकी कोई भी ब्रांच, शाखा जिले व राज्य में स्थापित नहीं है। आयोग के नाम और लोगों का प्रयोग करना दी एम्बलम्स एंड नेम्स PREVENTATION OF IMPROPER USE ACT 1950 के तहत कानूनन अपराध है, जिसके लिए सजा व जुर्माना दोनों का प्रावधान है। आयोग द्वारा किसी भी व्यक्ति, संस्था, NGO, ट्रस्ट का संबद्धीकरण एवं सदस्यता का कोई प्रावधान नहीं है। आयोग द्वारा समय समय पर राज्यों को चलने वाले ऐसे संगठन पर कार्यवाही के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं। वहीं सर्वेंद्र चौहान ने बताया कि अब उनका अगला कदम गो और ट्रस्ट में मानव अधिकार से मिलते जुलते नाम से संगठन बनाकर जनता को भ्रमित करने, प्रशासन को दबाव बनाकर परेशान करने और ठगने वाली संस्थाओं को जल्द ही मानव अधिकार आयोग को पत्र लिखकर बंद कराना है।